दादाजी नटू काका ने टोनी मोनी कंपनी में फोन किया था तो कंपनी वालों ने कहा कि सेनोरिका में कोई एग्जीबिशन ही नहीं है। फिर ये जेठिया गया कहाँ होगा? हम फोन कर रहे हैं तो उसका फोन लग नहीं, वो भी फोन कर नहीं रहा। होटल वाले कह रहे हैं कि उसके नाम का बुकिंग ही नहीं, और वो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि जेठिया जिस प्रदर्शन में गया है वैसा कोई प्रदर्शन हुआ है ही नहीं। मेरी तो चिंता बढ़ती जा रही है, क्या करूं? टपुड़ा, मुझे लगता है हमें अभी के अभी सेनोरिका जाना पड़ेगा। अकबर, सेनोरिका? चाचा जी, आप सेनोरिका जाएंगे? अरे तो और क्या करूं, भिंडी मास्टर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और चाचा जी, वहां जाने के लिए वीजा लगता है ना, ऐसे अचानक नहीं जा सकते हैं। नहीं अब्दुल, उसका कोई टेंशन नहीं है, सैनोरी का छोटा सा टप्पू है। टप्पू? है? टापू टापू। हाँ वो आइलैंड आइलैंड। हाँ हाँ। टापू टापू। हाँ। वहाँ पर वीजा लैंड होते ही मिल जाता है। हाँ मतलब वीजा ऑन अराइवल है वहाँ पे। मिल जाता है। अच्छा मैं तो मुझे एक बात बता, अगर एयरपोर्ट पे हम पासपोर्ट दिखाएंगे तो टिकट मिल जाएगी ना? हाँ हाँ मिल जाएगा। पहले ये पता करना पड़ेगा कि अब सेनोरिका की फ्लाइट कब है। ये तो पता चल जाएगा पोपटलाल, उसमें तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इस लास्ट मोमेंट पे उसमें टिकट मिलेगा कि नहीं ये देखने वाली बात है। अरे तो किसी को भी फोन कर, किसी को भी पूछ, मैं तो कुछ कर, बुक करा टिकट। चाची जी मैं भी थोड़े नाल आना, मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ। अरे एक मिनट, सबको जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ चाचा जी, मैं आपके साथ चलूंगा। मेहता साहब मुझे तो चलना ही पड़ेगा। क्यों? अरे भाई मेरे जैसे होनहार पत्रकार की वहाँ कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अरे हाँ भाई हाँ, तू भी आ जाना। अरे मैं तो जल्दी टिकट का कुछ करना। हाँ हाँ, मेरे कंपनी का ट्रेवल एजेंट को मैं फोन करता हूँ। चाचा जी अभी पूछ लेता हूँ कि फ्लाइट कब है, कितने बजे है, सीट्स है या नहीं है, सब मालूम पड़ जाएगा। हाँ टिकट अवेलेबल है कि? अरे हाँ भाई हाँ। हाँ बोलिए बोलिए मेहता साहब, आज संडे के दिन पारस को कैसे याद किया? सॉरी आपको संडे को परेशान कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा काम था इसलिए। अरे काहे की परेशानी मेहता साहब, वैसे भी आज मैं ऑफिस में ही हूँ। हमारा आपके जैसा थोड़ी है कि संडे मतलब हॉलीडे, लोगों की छुट्टियां होती है तभी तो हमारा बिजनेस होता है मेहता साहब। जी जी नहीं वो तो है। बताइए बताइए क्या काम है? पारस जी वो जरा सेनोरिका आइलैंड की चार टिकट चाहिए थी, बहुत अर्जेंट है थोड़ा सा। जो भी पहली फ्लाइट हो आज ही जाना है। अच्छा इतना अर्जेंट, क्या हुआ सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं ऐसे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल्दी है ना? नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था। जरा तीन टिकट की अवेलेबिलिटी देख लीजिए। चार चार? सॉरी। हेलो। हाँ जरा देखिए, चार चार टिकट मिल जाए तो। हाँ एक मिनट में चेक करके बताता हूँ। क्या हुआ क्या कहा? चाचा जी चेक करके बता रहा हूँ। मिल जाएगी मिल जाएगी। हाँ मेहता साहब। हाँ आज के दिन में सेनोरिका आइलैंड जाने के लिए तीन फ्लाइट्स है और तीनों फ्लाइट्स में सीट्स अवेलेबल है। अच्छा कब कब है? पहली फ्लाइट दोपहर को 3 बजे निकलती है। हाँ। दूसरी फ्लाइट शाम को 7 बजे की है और तीसरी फ्लाइट रात को 11 बजे की है। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड चाचा जी, आज तीन फ्लाइट है, एक रात को 11 बजे, एक शाम 7 बजे और एक अभी दोपहर में 3 बजे। अभी कितने बज रहे? 10 बजे। हाँ हाँ तो एक काम कर, 3 बजे की फ्लाइट में 4 टिकट बुक कर दे। हाँ 3 बजे एकदम बराबर है, 3 बजे। चाचा जी सेनोरिका आइलैंड जाने के लिए 3 बजे वाली फ्लाइट लेनी है तो अभी निकलना पड़ेगा घर से। हाँ बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। हेलो। हाँ मेहता साहब आप एक काम कीजिए, आप 4 बजे वाली फ्लाइट में 3 टिकट बुक करा दीजिए। अरे 3 बजे वाली फ्लाइट में 4 टिकट? तो मैं क्या चार चार कर रहा हूँ यार? पोपटलाल क्या कब से उंगलियों से इशारे कर रहे हो भाई, शांत रहो ना, वो हाथ पीछे रखो, सीधे खड़े नहीं रह सकते क्या यार? चार 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 कर रहे हो? हाँ? नहीं 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 आपको नहीं कह रहा हूँ, सॉरी सर आपको नहीं कह रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप 3 बजे वाली फ्लाइट में 4 टिकट बुक करा दीजिए। ओके एक तो मैं ही हूँ और एक हमारे चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी। हाँ? एक टिपेंद्र जेठलाल गड़ा और पत्रकार पोपटलाल। बोल रहे हो भाई? और पत्रकार पोपटलाल। हाँ ये बुक करवा दीजिए। पत्रकार पोपटलाल सबकी पासपोर्ट डिटेल्स और बाकी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए मैं अभी भिजवा देता हूँ। और हाँ टिकट्स का चेक मैं तैयार रखूंगा, आप किसी को भेज के घर से मंगवा लीजिए। ओके ओके मैं सारी टिकट बुक करके आपको ईमेल कर देता हूँ। थैंक यू थैंक यू। चाची टिकट बुक हो गया, हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। लगे हाथों मेरे लिए वहां लड़की भी देख लूंगा। क्या बोला क्या बोला तुम्हें पोपटलाल? पोपटलाल हम लोग वहाँ पे जेठालाल को ढूंढने जा रहे हैं, तुम्हारे लड़की देखने नहीं जा रहे? हाँ हाँ हाँ।
नहीं नहीं चाचा जी, पहले हम जेठालाल को ही ढूंढेंगे, अगर फिर समय मिला तो हम लड़की ढूंढेंगे। कुमारों को जाने ही नहीं चाहिए। अरे वो सब छोड़ो, जल्दी से जाओ और तैयारी करो जाने की। हाँ हाँ, और 15 मिनट में मुझे नीचे मिलो, अगर तुम लोगों ने देर की ना तो मैं निकल जाऊँ। अरे नहीं नहीं आ रहे। हाँ, हम लोग चाचा जी और टप्पू का सामान पैक करने में मदद करते हैं। हाँ। चाचा जी मैं भी गड्डी निकालना, तुझे फटाफट तैयार होकर थल्ले आ जाओ। हाँ, और तब तक हम लोग नीचे आप लोगों का वेट कर रहे हैं। अंजलि चलो भाई, बैग पैक कर रहा है, चलो। चलो चलो पोपटलाल, टाइम कम है। कपड़े आ गए, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस वॉश, शैम्पू, ये सब आ गया। अब क्या रह गया? पासपोर्ट और पैसे। पासपोर्ट और पैसे, यस पैसे है, पासपोर्ट भी आ गया। हाँ, बस सेनोरिका जाते जेठालाल मिल जाए तो वहाँ के दो चार मैरिज ब्यूरो में अपनी डिटेल्स दे दूंगा। वाह रे ऊपर वाले, कमाल है तेरी लीला। ते मेरे जीवन में विदेशी जीवन साथी लिखा इसलिए इतने साल इंतजार करवाया। अगर वहाँ सगाई तय हो गई तो 12 जेठालाल के घर से ही निकालूंगा। कोर्ट तो रह गया, वहाँ जरूरत पड़ सकती है। यस। चलो हो गया सब। वाह, जल्दी करो भाई, देर हो रही है। आ गई बाबा, इतनी फटाफट पैकिंग करनी। आपका रुमाल, आपका शेविंग किट, आपके 5-6 जोड़ी कपड़े रख दिए। तो 5-6 जोड़ी की क्या जरूरत है अंजलि, एक दिन के लिए जा रहा हूँ, जेठालाल को लेके वापस आ जाऊंगा। किसको पता, जेठा भाई को ढूंढने में 4-5 दिन भी तो लग सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा अंजलि। भगवान करे ऐसा नहीं हो, पर अगर ऐसा हुआ तो, अगर जेठा भाई ने सच में कपला किया होगा तो। कैसी बातें कर रही हो अंजलि? मैं नहीं कर रही हूँ ये बातें। समय, सपने का समय क्या था? चंपक चाचा को सपना सुबह सुबह आया था और पूरी दुनिया कहती है कि सुबह का सपना सच होता है। अच्छा भाई ठीक है, अब चलें, लेट हो रहा है। सुनिए, हाँ। इतने दूर जा रहे हैं सेनोरिका आइलैंड, अपना ध्यान रखना। अंजलि अब चलें, लेट हो रहा है। सुनिए ना, मैंने सुना है सेनोरिका आइलैंड में कोकोनट के प्योर एसेंस का कोल्ड क्रीम मिलता है, आप लेते आना ना। अंजलि मैं वहाँ जेठालाल को ढूंढने जा रहा हूँ, खरीदारी करने नहीं जा रहा हूँ। पर मैं कहा ना बोल रही हूँ कि आप जेठा भाई को मत ढूंढना। जेठा भाई मिल जाए उसके बाद तो मेरी क्रीम ला सकते हैं ना, बहुत फेमस है। ठीक है ले आऊंगा, आप चले भाई। हाँ सुनिए, 5 लेके आना। क्रीम का सूप बनाना है क्या? 5 क्रीम का क्या करोगी? अगर उससे आपकी सेहत अच्छी हो ना तो मैं तो वो भी बना के पिला दूं आपको। फिलहाल हमारे महिला मंडल के लिए लाना है, एक माधवी भाभी के लिए, एक बबीता जी के लिए, एक रोशन भाभी के लिए, एक कोमल भाभी के लिए और एक आपकी अर्धांगिनी के लिए। ले आऊंगा, फिलहाल मेरी प्राथमिकता उस जेठालाल को लेके आने की, कान पकड़ के खींच के लेके आऊंगा। हद कर दी उसने यार, चाचा जी ने 15 मिनट का बोला था, चलो भाई देर हो रही है। हाँ जैसे मैं अकेले बात कर रही हूँ, आप बात कर ही नहीं रहे। चलो चलो भाई, आ गए सब लोग। नहीं मेहता साहब बाकी अभी आ रहे। अरे कितना लेट हो रहा है। अरे मेहता साहब कहाँ रह गए भाई, कितना टाइम भाई, चले चले जल्दी। अरे हो पोपटलाल, कितने उतावले हो रहे हो तुम भाई, तुम तो ऐसे घाई करो जैसे वहाँ पे जाके लड़की खड़ी होगी वरमाला लेके। क्यों नहीं खड़ी रह सकती? तुम्हें कैसे पता? सकारात्मक सोचो, हमें क्या पता दुनिया के कौन से कोने में भगवान ने तुम्हारी भाभी को छिपा कर रखा। हो सकता है सेनोरी का मेरा ससुराल हो, जेठालाल को ढूंढते ढूंढते मेरा जीवन साथी मिल जाए। चलिए चाचा जी। चाचा जी वहाँ पहुँचते ही प्लीज फोन कर देना। और माधवी बेटा ये घर की चाबी है, घर का ध्यान रख। हाँ हाँ चाचा जी, चिंता मत कीजिए। और चाचा जी अनजान जगह पे जा रहे तो जरा ख्याल रखना, अकेले मत घूमना प्लीज। हाँ पता चला जेठापुरा मिल गए और चाचा जी खो गए। अरे तू चिंता मत कर सोड़ी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। हाँ? सोड़ी बेड़े चिंता की बात नहीं है, मैं हूँ ना साथ में, ख्याल रखूंगा मैं। चाचा जी आप जल्दी जाइए और जल्दी से जेठा जी को लेके वापस आइए। तो प्लीज जल्दी आना। हाँ हाँ पापा को लेकर तुरंत आ जाएंगे। विश मी लक गाइस। ऑल द बेस्ट। चाचा जी चलें।
फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो चलो भाई चलो, बहुत लेट हो गया भाई। चलो 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 चलो, ओके बाय, थैंक यू। आओ चलो, आई 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 आई। हे भगवान, होगा तो वही जो आपने सोचा होगा। फिर भी अगर मेरे जेठिया ने गलत किया हो तो उसे सजा देते वक्त मेरे हाथ ना कांपे, ऐसी शक्ति देना भगवान। आप सब लोग चिंता मत करो, मैं जेठिया को वापस लेकर ही आऊंगा। चल सुन, चलो 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 भाई चलो। क्या हो गया अचानक से, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये जेठालाल भी अजीब ही है ना, मतलब क्या बोलकर गया है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो डर है कि ये लोग अभी गए वो कहीं फंस ना जाए वहां। हाय हाय, तो फिर मेरे तारक का क्या होगा? अरे थिंक पॉजिटिव अंजलि भाभी, चाचा जी गए ना सेनोरी का, वो जेठालाल को लेकर ही आएंगे। सही बात है। हाँ हाँ। लेकिन इतने बड़े आइलैंड में चाचा जी, टप्पू मेहता साहब और पोपट भाई जेठा भाई को ढूंढेंगे कैसे? डोंट वरी आंटी, दादाजी और टप्पू की जोड़ी है, जेठा अंकल को ढूंढ ही लेंगे। अभी कौन आया होगा? गोकुलदास सोसाइटी यही है? हाँ 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 यही है। आप कौन? मैं ड्राइवर। ड्राइवर तो समझ में आया, लेकिन किसके ड्राइवर हो भाई? इस गाड़ी का। मैं समझ गया वो, लेकिन यहाँ पे आने का कारण क्या है, किससे मिलने आए आप? आया नहीं हूँ, किसी को लेकर आया हूँ। पता नहीं कौन है। एक साहब एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठे, बोले पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी जाना है, और बोल के सो गए। मैं कब से जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ ही नहीं रहे। मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, देखो देखो। ओ दादा। अरे कौन है भाई साहब? उठो। जेठालाल है। जेठा भाई। जेठालाल। क्या? उठ। जेठालाल। अरे उठो। आ गए गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ आ गए आ गए, उतरो उतरो उतरो। जेठालाल तो सेनोरिका में है ना? लेकिन एयरलाइन वाले ने तो कहा था कि जेठा जी की फ्लाइट सेनोरिका आइलैंड लैंड हो गई है। तो फिर जेठा भाई यहाँ कैसे? कैसे बच्चों? क्या हुआ भिड़े? सब लोग सोसाइटी कंपाउंड में, कुछ हुआ है क्या? जेठालाल तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ रहता हूँ यार भाई। देखा आत्माराम, इसको अभी भी मजाक सूझ रहा है। जेठालाल ने मजाक करने का वक्त नहीं है। अरे तुम्हें ढूंढने के लिए चाचा जी सेनोरिका आइलैंड गए। क्या? हाँ जेठा भाई, चंपक चाचा, टापू, पोपट भाई और तारक आपको ढूंढने के लिए अभी सेनोरिका आइलैंड के लिए एयरपोर्ट निकल चुके हैं। बापू जी, टप्पू, मेहता साहब और पोपट लाल मुझे ढूंढना सेनोरिका आइलैंड है। क्यों? मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल। आहो, आप बातें बाद में कीजिए ना, पहले उन लोगों को फोन करके बोल तो दीजिए कि जेठा भाई आ गए हैं यहाँ पे। हाँ भिड़े बोल। मेहता साहब, आप सेनोरिका आइलैंड मत जाना। क्यों, क्या हुआ? सेनोरिका आइलैंड खुद यहाँ पे आ गया है। ए, मतलब जेठालाल खुद यहाँ पे आ गया है। क्या बात कर रहे हो? हम अभी आते हैं। हाँ जल्दी आइए जल्दी आइए। क्या कहा बापू जी ने, वापस आ रहे हैं ना? क्या हुआ नेतू? चाचा जी जैसे हम लोग निकले जेठालाल गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गया। हाँ वापस आ गया वो। मजाक बना के रख दिया जेठे ने, पहले अचानक चला गया अभी अचानक वापस आ गया।
सॉरी जीप घुमा जीप घुमा। आ जाते जी और आप वो अपने दोस्त को बोल के टिकट कैंसिल करवा दीजिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब लोग मुझे ढूंढने सेनोरिका आइलैंड जा रहे थे? जेठालाल तुम सेनोरिका आइलैंड पहुंच के फोन करने वाले थे, तुमने फोन किया नहीं। चाचा जी तुम्हें फोन लगा रहे थे, तुम्हारा फोन लग नहीं रहा था, तो चाचा जी को चिंता हो गई और उनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं और टप्पू जेठालाल को ढूंढने जाते रहे बाबा। हम उनको अकेले कैसे जाने देते ना, इसलिए मेहता साहब उनके साथ गए। और पोपटलाल वो तो शादी के लिए लड़की ढूंढने गया वहाँ पे। जेठा भाई आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या बताऊं आदि। क्या बताऊं बापू जी, अरे क्या क्या बताऊं, परेशान करके रख दिया है। अचानक रातों रात विदेश चला जाता है, फिर अचानक दिन दहाड़े देश में वापस आ जाता है। क्या चल के रहा है तेरा? बापू जी पहले आप जरा शांति रखिए। मैं शांति नहीं रखूंगा, अब तक मैं शांति था, अरे तेरी वजह से मेरी शांति कहीं चली गई है। आज तो तेरी खैर नहीं से दिया। बापू जी अरे बापू जी मेरी बात तो सुनिए। बापू जी मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्या सुनूं क्या सुनूं। अरे लेकिन बापू जी क्या हुआ क्या है मुझे बताइए तो सही, इतना क्यों गुस्सा हो रहा है आप? क्या हुआ, तूने वहाँ पहुँच के मुझे फोन क्यों नहीं किया? सही बात करना चाहिए था ना। अरे क्या बताऊं बापू जी। अरे तू क्या बताएगा, मैं तुझे बताता हूँ। तू जिस होटल में जाने वाला था उस होटल में तू गया ही नहीं। ये आपको कैसे पता? और बहुत कुछ पता है जेठालाल, तुम जिस टोनी मोनी कंपनी का वो प्रदर्शन का बहाना करके सेनोरिका आइलैंड गए थे ना, वहां पे ऐसा कोई प्रदर्शन था ही नहीं। हाँ। ये भी आपको पता है? अरे ये भी पता ही नहीं, हमें सब पता है भैया। अचानक जाता है अचानक वापस आता है, उल्लू बोला जाए हमें झूठ बोलता है तू। नहीं बापू जी मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मुझे बहुत गुस्सा हो रहा है, कितनी चिंता हो रही थी तेरी पता है? बापूजी एक बार मेरी पूरी दुख भरी दास्तान सुन तो लीजिए कि वह सेनोरिका आइलैंड में मेरे साथ क्या क्या हुआ, उसके बाद आपको जो करना वो करना बस। हाँ चाचा जी एक बार जेठालाल क्या कहना चाह रहा है एक बार जेठालाल की बात सुन लीजिए। हाँ बापू जी प्लीज सुन लीजिए। हाँ चाचा जी प्लीज ठीक है। बता 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 छड़ी नीचे रख दीजिए बापू जी प्लीज। बता एक बात याद रखना चेटिया, अगर एक शब्द भी झूठ बोला है ना तूने तो फिर तू है और ये छड़ी। बापू जी चल चल जल्दी बता, तूने वहाँ पहुँच के मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या बताऊँ बापू जी आपको तो पता है ना मेरी कुंडली कैसी है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे पहले मेरी मुसीबत पहुँच जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, मैं सेनोरिका आइलैंड पहुंचू उसके पहले मेरी मुसीबत पहुंच गई। जेठालाल ये प्रस्तावना छोड़ो और मेन मुद्दे पे आओ, तुमने फोन क्यों नहीं किया ये बताओ। हाँ। अरे भाई तू शांति रखना भाई, मुझे तो लगता है तूने बापूजी को चढ़ाया है। ये देखो चाचा जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई चोर किसको बोलता है, चोर किसको बोलता है तू? किसको बोला उसको समझ में आ गया। अरे उसके साथ जीवा जोड़ी छोड़, तू जल्दी बता कि तूने वहाँ पहुँच कर मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं सेनोरिका पहुँच जाता तो।
जेठालाल जो बने हुए थे गायब, लाल आखिरकार पहुंच चुके हैं गोकुलधाम सोसाइटी। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी एक फुटबॉल के मैदान में तब्दील हो गई है, और किसी फुटबॉल के फाइनल मैच से ज्यादा इस वक्त यहाँ रोमांच भी है और उत्कंठा भी है। बहुत सारे सवालों के गोल दागे जाने वाले हैं जेठालाल पर कि जेठालाल ने सेनोरिका आइलैंड का झूठ क्यों बोला, वहां प्रदर्शनी थी नहीं तो क्यों कहा कि प्रदर्शनी है, और फोन क्यों नहीं लग रहा था, कहां थे जेठालाल। इन सारे सवालों के जवाब जेठालाल को देने तो पड़ेंगे। अब देखना यह है कि जेठालाल किस तरह से इन सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि चंपक चाचा रेफरी बन के पीछे पड़े हुए हैं जेठालाल के, और सवालों के जवाब वो चाहते हैं। अब देखना यह है कि बहुत दिनों से जो रहस्य के बादल गोकुलधाम सोसाइटी पे छाए हुए हैं वो छटेंगे, क्या हमें राहत मिलेगी, क्योंकि चंपक चाचा जो बिजली की तरह कड़क रहे हैं उनके सामने जेठालाल के जवाबों की जो बारिश होगी उनसे यहाँ क्या होगा, यहाँ के मौसम की गर्मी बढ़ेगी या फुहार ठंडक मिलेगी। आपके घरों में हंसी की बारिश जरूर होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।